हमारी लड़ाई ये है कि जो वंचित समाज की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और वंचित समाज की जो बात करते हैं उन लोगों को आखिर आगे लाया जाए। उसको हम सभी पार्टियों से एक उम्मीद करते हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी से। हम तो एक ही बात, वंचित समाज को आगे लेके आएगा, वंचित समाज की हिस्सेदारी देगा, अब की बार वंचित समाज उसके साथ खड़ा होगा। दीपक बावरिया जी छोटे से छोटे वर्कर को भी ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं और उनकी बात सुनते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से बना पाएंगे और बहुत दमदार तरीके से बनाएंगे। हमारी टनाटन सरकार बनेगी वो मैं आपको कह सकता हूँ। कई बार भी लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कार्ड फेंक देना है, तो जो है मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है 70 से भी ज़्यादा सीटें हैं। टेबल बनता है, कौन सी तारीखें घोषित होती है उसके ऊपर निर्भर है। एटलीस्ट जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन उसके पहले तो हमको करना ही पड़ेगा, तो कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ हरियाणा प्रभारी कांग्रेस से दीपक बावरिया मौजूद हैं, जो कि राजनीति के एक तरह से चाणक्य हरियाणे पाले, मध्य प्रदेश में एक अच्छी वहाँ पर रणनीति बनाने वाले। आज हरियाणा लोकसभा चुनाव होता है तो वहाँ पर 5 सीट हरियाणा के खाते में जाती हैं। दीप, दिख रहे हैं कि हरियाणा चुनाव बहुत नज़दीक है, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली हैं, बावरिया जी जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के आकलन भी कर रहे हैं कौन कितना कैंडिडेट हमारा मजबूत है, तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा है, कैसे आप आगे की समीक्षा कर रहे हैं कि हमें कैसे लोगों की आवश्यकता है जिससे कि हरियाणा को इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार आए? अल्टीमेटली तो जो है एक ही क्राइटेरिया होता है कि जीतने की क्षमता क्या है, मगर जीतने की क्षमता जब आप चाहते हैं तो उसमें कई चीज़ें होती है कि ग्रास रूट पे वो आदमी कितना फैला हुआ है, लोगों के बीच में कितना है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, पहचान कितनी है, और इसके साथ साथ पार्टी के अंदर उसके अंदरूनी रिलेशंस क्या है, स्वीकार्यता कितनी बन रही है ये, और सामाजिक समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राजकीय समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सभी, और उसकी ओवरऑल एक इमेज होती है हर कैंडिडेट की, वो सही है कि नहीं है, उसका समन्वय करते हुए रुझान आता है, राहुल गांधी जी के ऑफिस से होता है, खड़गे साहब के ऑफिस से होता है, जिसमें उसका नाम भी उभर के आता है, तो निश्चित रूप से वो हमारा उम्मीदवार होगा। लोकसभा चुनाव से जिस प्रकार से अब लोगों के बीच में एक मैसेज गया कि हरियाणा के अंदर कि हम 5 सीट जीते हैं, कि अब कांग्रेस को और मजबूत करना है, अब उसके आगे क्या क्या लग रहा है कि हरियाणा में इस बार आप सरकार बना पाएंगे? निश्चित रूप से बना पाएंगे और बहुत दमदार तरीके से बनाएंगे। हमारी टनाटन सरकार बनेगी वो मैं आपको कह सकता हूँ। आपस में जो खटपट और जो आक्रोश गुटबाजी चलती है क्या उसका बीच जब में? लोग सरकार बनाने का सोचते हैं, ये बार की 5 हमारी सीट आई, आपके मीडिया ने रुझान दिया था कि मुश्किल से क्या 2 आएगी, लोगों ने मन बना लिया था कि मोदी को हराना है, भाजपा को हराना है, कांग्रेस को जिताना है, तो 5 सीटें आई, और ये बार भी लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कार्ड फेंक देना है, तो जो है मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है 70 से भी ज़्यादा सीटें आए। भारतीय जनता पार्टी की IT सेल टीम ने एक मोदी गारंटी का एक मैसेज दिया, जिसको लेके आपने कहा कि मोदी गारंटी की टाइम फिस हो गई। मोदी गारंटी टाइट फिस है, आपके हरियाणा में ये शब्द मैं सीखा हूँ, टाइट फिस जी। तो मोदी की गारंटी का कोई मूल्य नहीं है, इट इज़ अ जीरो वैल्यू, नकारात्मक वैल्यू है, और ये पूरे देश की जनता वो पहचान गई है। आप उसको पूरे देश में से एक सामाजिक संगठन, एक राजनीतिज्ञ, एक कॉमन मैन ला के दिखाओ के जो कह दें कि मोदी जी कहते हैं उसका मैं भरोसा करता हूँ। कब तक इसका आप टिकट की पूरे हरियाणा के अंदर 90 के 90 विधानसभा घोषणा करेंगे, या फिर अभी गठबंधन की चर्चाएं दूसरी पार्टियों से चल रही है? हमारा किसी से गठबंधन की चर्चा नहीं चल रही है, और जो है हम न तो करने जा रहे हैं, ऐसा एक मुझको प्रतीत होता है। अल्टीमेटली स्टेट लीडरशिप क्या चाहती है, सेंट्रल लीडरशिप क्या चाहती है, ओवरऑल पार्टी लीडरशिप क्या चाहती है, उसके पर वो निर्भर रहता है, मगर आज की डेट में ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है, वो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और एक साथ साथ वो भी कह सकता हूँ कि पार्टी अकेले के दम पे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी वर्तमान मुख्यमंत्री आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं, किसानों को लेकर उन्होंने भी अपनी गारंटियां दे दी, उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस शासन में इतना करोड़ का मिलता था उनको बजट, अब हमने उससे ज़्यादा बजट दे रहे हैं, अब इसी समय क्यों जब चुनाव सामने है, इस चीज़ को क्या चुनावी स्टंट माना जाए, या फिर वास्तव में उनके काम को भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कांग्रेस चाहती है वो करेगी? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, उसको चुनावी स्टंट से भी ज़्यादा मैं एक स्टेप ले जाता हूँ कि वो मतदाताओं को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। आने वाले दिनों में ये आपके सैनी जी को, नायब सैनी जी को
घोषणा भी आपके हरियाणा की सरकार घोषित करेगी ऐसा मैं मानता हूँ। उसका कोई जिसका मूल्य नहीं इसी प्रकार के जो है कर रहे हैं, क्योंकि ही ऑल्सो नोस वो जो कह रहे हैं 15 दिन में उसका अमलीकरण भी नहीं हो सकता है। जो काम 10 साल में नहीं किया वो कहते हैं कि अभी हम कर देंगे। जो काम 2 साल किसान बैठे रहे उसको गारंटी देना था, उसका MSP का कानून बनाना था, खड़े कर दिए, मगर इतनी छलना, 700 किसान शहीद हो गए उसके बाद भी नहीं किया, ये क्या करेंगे। सामाजिक न्याय संगठन जिस प्रकार से आज कार्यक्रम का आयोजन रखा, आपको बुलाया, इसमें उन्होंने कहा, उनकी मांग है कि OBC SC ST पर जोर दे रहे हैं कि हमें टिकट भी मिले, और राहुल गांधी आए दिन संसद के अंदर भी और बाहर भी आवाज़ इनके लिए उठाते रहे हैं, तो इस पर कैसे देख रहे हैं कि बाबरिया जी का हरियाणा पर OBC और SC ST समाज के लिए कैसे देखते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये समाज जो मांग रहे हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, और उसको जो है ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमारी एक सकारात्मक जो है सोच होनी चाहिए। तो मैं तो उनसे वही कमिट करता हूँ कि आपके लिए ज़रूर से हम सोचेंगे, आपको प्राधान्य देंगे, और उनसे पर जिम्मेदारी वो डालता हूँ कि आप भी जो हैं ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ के लाए को जीतने के लिए समर्थ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक अब संदेश लोगों के बीच में दे रही है कि जो जनता को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एक संविधान खतरे में है, दूसरा आरक्षण को लेकर जो मुद्दा उठाया था उसमें कहा कि ये एक गुमराह किया गया, इससे उनको फ़ायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, तो क्या हरियाणा में भी ये पॉलिसी आप लोगों की रहेगी। ये संविधान की बात करते हैं, RSS का चीफ सुदर्शन था, मैं गुजरात से हूँ, हमारे यहाँ अहमदाबाद शहर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल के गया कि ये संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसको अरबी समुद्र में फेंक दो। और उसके बाद लगातार संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम, वो लोकतांत्रिक अधिकारों की बात है, प्रजातांत्रिक अधिकारों की बात है, आपके जो है डेमोक्रेसी में बात कहने का जो अधिकार है उसकी बात है, न्यायतंत्र के अधिकारों की बात है, ह्यूमन राइट्स के अधिकार की बात है, लोगों के घर जो है उसके पर बुलडोजर घुमा के उसको उजाड़ देने की बात है, हर जगह पे वो जो है संविधान के प्रावधानों का हनन कर रहे हैं, लोकसभा का में भी उसका हनन कर रहे हैं, एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये कुछ नहीं करने जा रहे हैं, आप कैसे भरोसा करोगे। आपने डेट निर्धारित नहीं बताई अभी तक कि कब तक सीटों पर आप घोषणा करेंगे, क्या टाइम टेबल बनता है, कौन सी तारीख घोषित होती है उसके पर निर्भर है, एटलीस्ट जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन उसके पहले तो हमको करना ही पड़ेगा, तो कर देंगे। सामाजिक न्याय मोर्चा से हमारे बीच में विनोद कुमार चंदेल मौजूद है। विनोद कुमार जी, कैसे देख रहे हैं कि आज आपने सभी अपने सदस्यों की और नेतागणों की मीटिंग रखी, जिसके आज के आपके अतिथि आपके बाबरिया जी रहे, दीपक जी, उन्होंने कई विषयों पर चर्चाएं की, उन्होंने कहा कि आज सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो OBC और SC ST को आगे लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो कब तक पीछे रहेगा, इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप। सर, सबसे पहले तो नव समाचार के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। आज जो सामाजिक न्याय मोर्चा का जो हमारा सभी प्रदेश के जो 90 की 90 विधानसभाओं में जो हमारे पदाधिकारी हैं, आज उनकी मीटिंग गुड़गांव में 4 सेक्टर में वैसे धर्मशाला में हमने बुलाई, उसका विषय चुनाव ही था। क्या कि जो वंचित समाज है, वंचित समाज में खासकर BCA है और SCA है, वहाँ की उनकी अनदेखी सभी पार्टियाँ कर रही हैं, किसी की सरकार बने, कोई भी पार्टी हो, जिनको ज़रूरत है राजनीति की, राजनीति में पहुंचने की, जो समाज की आवाज़ को विधानसभा में लोकसभा में उठा सकते हैं, उन लोगों को आगे नहीं दिया आने दे रहे हैं। हमारी लड़ाई ये है कि जो वंचित समाज की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं और वंचित समाज की जो बात करते हैं उन लोगों को आगे लाया जाए, और जो वंचित समाज है हर तरह से वंचित रह गया है, चाहे वो सामाजिक स्तर है, चाहे वो आर्थिक स्तर है, चाहे वो राजनीतिक स्तर है, चाहे सरकारी नौकरियों की बात करें तो उनमें भी कुछ दबंग लोग ही फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको आखिरी छोर तक राजनीति का, आर्थिक तौर का और सामाजिक तौर का उनको लाभ मिले, उन लोगों की लड़ाई हम सामाजिक न्याय मोर्चा के तहत हरियाणा में लड़ रहे हैं। हमारा संगठन ऑल इंडिया में है,
कम से कम 10 स्टेटों में हमने पदाधिकारी बनाए हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस लड़ाई को हम राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। तो आज हमने दीपक बावरिया जी को इसी चर्चा के लिए हमने बुलाया था कि कांग्रेस पार्टी के साथ ज़्यादातर हमारा जो वंचित समाज है वो ज़्यादातर कांग्रेस के साथ रहा है, और कांग्रेस पार्टी की नैतिकता के आधार पे जिम्मेवारी बनती है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की जाए। और अब विधानसभा जो हरियाणा में है 90 की 90 सीटों पे, हम ये चाहते हैं जो वंचित समाज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी दी जाए और अच्छे लोगों को आगे लाया जाए। अभी तक जिस प्रकार से आप देखते थे तो बहुजन समाज पार्टी भी एक जो कि वंचित वर्ग के लिए काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी है आपके सामने, तो क्या आप ये उम्मीद कैसे लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही वंचित लोगों की सुनेगी और उनके साथ खड़ी होगी? रही बात बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती जी, हमारी आदरणीय है, हमारे दलित समाज की नेता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम करना चाहिए था वंचित समाज के लिए, सर्व जातियों के लिए, उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने भी जो है ना इस वंचित समाज की अनदेखी की है और इस वंचित समाज का शोषण किया है। और मायावती जी के लिए तो मैं एक बात कहूँगा कि मायावती जी तो यूपी से बाहर अपने अलावा किसी ओबीसी या एससी या वंचित समाज में से किसी को नेता ही नहीं पैदा करना चाहती। जैसे और लोग जो बोलने वाले जो लोग हैं, जो विधानसभा में बोल सकते हैं, विधानसभा में आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे रोहतक से हमारे पांचाल समाज से हैं, बहुत दबंग हैं, बोलते हैं समाज के लिए, ऐसे लोगों को थोड़ा आगे आ जाए, आगे नहीं आने दिया। क्या उम्मीद लग रही है 90 के 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव है कांग्रेस पार्टी और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी है सामने, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तमाम और भी पार्टियां हैं, NLO और BSP का गठबंधन हुआ है, तो आप ये देख रहे हैं तो क्या वंचित वर्ग जो है SC ST के जो लोग हैं क्या अब किसके साथ खड़े होंगे? वंचित समाज को जो ज़्यादा हिस्सेदारी देगी, देखो हम सभी पार्टियों से एक उम्मीद करते हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी से, हम तो एक ही बात कहेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। और जो वंचित समाज को आगे लेके आएगा, वंचित समाज की हिस्सेदारी देगा, अब की बार वंचित समाज उसके साथ खड़ा होगा। सीधी सी बात, आज जिस प्रकार से सामाजिक न्याय मोर्चा ने ये कदम उठाया है कि कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया को बुलाया, तो क्या ये मौका भाजपा को भी दोगे आप लोग? दीपक बावरिया जी अपने में एक ब्रांड है, वो दीपक बावरिया जी में एक क्वालिटी हमने देखी है कि दीपक बावरिया जी हरियाणा के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं दीपक बावरिया जी, छोटे से छोटे वर्कर को भी ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं और उनकी बात सुनते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमने दीपक बावरिया जी को उचित समझा इसमें बुलाना। बाकी समय बताएगा कि कौन सी पार्टी वंचित समाज की डिमांड को पूरा करता है, वो समय बताएगा क्या होगा।